हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद डाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, इस सेशन में हम इस संडे को हमारा जो मेजर हुआ है उसका फर्स्ट वाला जो पेपर है, जिसमें टोटल 18 क्वेश्चंस तीन सेक्शंस में है। सेक्शन ए 6 सिंगल चॉइस, सेक्शन बी 6 मल्टीपल चॉइस और सेक्शन डी 6 इंटीजर चॉइस है। इस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में एक्चुअली दो पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ में तीन क्वेश्चन हैं, और इसमें हमने पैराग्राफ जो है वैसे लिए हैं ऐसे ट्रिपल मैचिंग वाले जो पैराग्राफ हैं, ये जेई के पेपर में एक बार आए हुए हैं। तो एडवांस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मतलब वैरायटी को इंक्लूड किया अपन ने, और हर पेपर में हर पैराग्राफ के बेसिस पर तीन क्वेश्चंस हैं जिनकी मैचिंग अपने को करनी है। तो चलिए सर, क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें, पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें तीन सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें तीन कॉलम्स हैं। पहले वाला जो कॉलम है उसमें लूप का शेप दिया गया है कि एक्चुअली लूप कैसे है। जैसे अपन ने कहा कि इस वाले केस में लूप एक्स वाई प्लेन में, अब एक्स वाई प्लेन में ना, तो ये लूप एक्चुअली ऐसे है ना, इस टाइप से, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में इस टाइप से। दूसरे वाले केस में लूप जो है वाई जेड प्लेन में, मतलब लूप ऐसे है। तीसरे वाले केस में लूप जो है वो एक्स जेड प्लेन में, मतलब लूप ऐसे है। और फोर्थ वाले केस में लूप अगेन एक्स जेड प्लेन में, मतलब लूप एक्स जेड प्लेन में है। बात समझ रहे हो, मतलब ऐसे है। इस वाले में एक्स जेड प्लेन में ऐसे था, इस वाले केस में एक्स जेड प्लेन में ऐसे है। ये अपने को किसी सिचुएशन देख के समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेलोसिटीज की बात करें, चार टाइप की कुछ वेलोसिटीज दी गई हैं और चार टाइप के एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिए गए। बोलो ठीक है। चलिए जी सर, अब इसके बेसिस पर मुझे कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो डियर देखो, मैं क्वेश्चंस में आंसर वाले पार्ट को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ट्रिपल मैचिंग वाले कॉलम्स हैं, तो आंसर वाले पार्ट को मैं डिस्कस कर देता हूं। सेम कंसेप्ट सारे पार्ट में आप यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट की बात करूं ना इसमें, तो एक्चुअली मैं अपन हायर पोटेंशियल पॉइंट और लोअर पोटेंशियल पॉइंट देख रहे हैं। हायर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है। तो वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वी क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट विथ एल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और अपन क्या करते हैं, लूप के वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को प्लेस करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओपन फिंगर्स को प्लेस करते हैं। तो जो पाम का ओपन एंड है, जो पाम का ओपन एंड है वो हाई पोटेंशियल एंड को बतलाता है। बोलो ठीक है। चलिए जी साहब, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस VE माइनस VA इज पॉजिटिव। देखिए, VE माइनस VA इज पॉजिटिव, इसमें बात करें तो इसमें जो आंसर करेक्ट आ रहा है ना, वो आ रहा है 4 सेकंड और S। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, है ना, 4 सेकंड और S। फोर्थ वाला पार्ट जो है वो ये रहा, XZ प्लेन में है, तो इस XZ प्लेन में ये लूप एक्चुअली ऐसे है। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट लेंथ को मिलाते हैं। बोला साहब ये डायरेक्ट लेंथ मिला दी, तो ये तो हो गया लेंथ। फिर सेकंड वाले पार्ट में वेलोसिटी दी गई है इसको VJ कैप, मतलब इसको Y एक्सिस के अलोंग इधर वेलोसिटी दी गई है, और S वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है माइनस VI कैप। सुनना मेरी बात को, वेलोसिटी इस वाले डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। सो दिस एंड इज एट हाई पोटेंशियल while this end is at low potential। तो अपने यही कहा था कि VA minus VE, sorry, VE minus VA is positive। तो इस वाले केस में E वाला जो end है वो high potential पर है और A वाला जो end है वो low potential पर है। तो अपन इस वाले केस को करेक्ट आंसर मान सकते हैं। बोलो ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो, कि किस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जीरो है। तो या तो V और B या L, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए ना, जिस केस में V, B और L तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए, वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं साहब, इसका करेक्ट आंसर जो आता है ना मेरा, ये आता है थर्ड, सेकंड और P। चलिए सर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाला जो मेरा केस है, देखिए ये रहा, लूप जो है एक्सजेड प्लेन में इस टाइप से लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली मैंने मिलाया तो लेंथ वेक्टर तो ये हो गया इसका। फिर उसके बाद सेकंड वाला केस जो है उसमें वेलोसिटी दी गई है वी जे कैप की, तो सेकंड वाले केस में इस लूप को वेलोसिटी दी गई इधर, और पी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी आई कैप, बी आई कैप इधर ही हो गया। मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इस टर्मिनल वी बी जीरो। बोलो ठीक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के बाद थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, then it in which of the following cases the magnitude of induced emf is 4 bvr, induced emf jo hai uska magnitude 4 bvr aa raha hai, kis wale case mein, to iska correct answer jo hai ye aata hai 4 second aur p।
चलिए डिस्कस करते हैं अपन इसके वाले केस को। फोर ये रहा, तो लेंथ वेक्टर तो ये हो गया। सेकंड सेकंड बोले तो ये रहा वेलोसिटी वी जे कैप, वी जे कैप एंड पी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी आई कैप। बी आई कैप बोले तो एक्सटर्नल इधर वाली डायरेक्शन में। देखिए वेलोसिटी अपन ने इधर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर और ये वाला लो पोटेंशियल पर होगा अपने पास। बोलो हाँ कि ना, सॉरी उल्टा रख दिया अपन ने, ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा और ऊपर वाला लो पोटेंशियल पर होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? बोले दिस डिस्टेंस इज, अब देखो ये सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है आर। हमें हर एक केस में कहा गया है कि सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर, तो इसकी ये डिस्टेंस दो लूप के बीच की डिस्टेंस 2r, अगले दो लूप के बीच की डिस्टेंस 4r, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास आई ना वो आ गई 4r, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 4BVr, BVL वाले फॉर्मूले से। बोलो सेट है पक्का? चलिए जी सर, तो इसमें जो करेक्ट आंसर मेरा आया दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। आगे फिर अपने पास एक पैराग्राफ है ट्रिपल मैचिंग का, कंडक्टर पर बेस्ड है, कंडक्टर के चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन पर। एक्चुअली में क्या है कि तीन बड़ी समानांतर प्लेट्स हैं ए बी और सी, और इन पर चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3। चार्जेस को अपन ने कॉलम्स में दिखा रखा है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है डी और बी और सी के बीच की डिस्टेंस है 2D। बोलो ठीक है, अपन ने क्या कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ना, मतलब जैसे मैंने ए और सी को वायर से जोड़ा, दूसरे वाले केस में ए और सी को अर्थंड किया, फिर देखा कि कौन सी वाली पर चार्ज जो है वो 4Q/3 है, फिर उसके अलावा मतलब जैसे बीच वाली प्लेट को अपन ने मिड प्लेट को अर्थंड किया, तो कौन से वाली प्लेट पर चार्ज किस टाइप से रहेगा, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस अपने को बनाने हैं। बोलो ठीक है, चलिए जी सर, तो अपन शुरू करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में मतलब किसी एक सिचुएशन में इसको दिया गया चार्ज ये हो सकता है, इसको दिया गया चार्ज ये हो सकता है, और इसको दिया गया चार्ज ये हो सकता है। बोलो सेट है क्या सर पक्का? अपने को इनके बेसिस पर कॉम्बिनेशन बतलाना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि भाई थ्रू इफ प्लेट ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस द चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर वायर इज Q/3। कि कंडक्टर वायर से ए और सी जो है इसको मैंने कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया, तो किस वाले केस में जो चार्ज फ्लोन होगा उसका अमाउंट Q/3 होगा, कौन से वाली कंडीशन में? बोले जी ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरा आता है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ ना, अपन आंसर डिस्कस कर रहे हैं बस इसमें कि ये वाला करेक्ट है, बाकी सिचुएशंस आप सोल्व करके देख लो सेम कंसेप्ट के बेसिस पर। तो इस वाले केस में ये जो है ये मेरा करेक्ट आंसर आता है। यदि यहां से अपन चार्जेस की बात करें ना बेटा, तो इस कंडीशन में चार्ज आते हैं 4 और s, 4 और s, 2q माइनस q और q, तो अपने पास चार्जेस जो है वो 2q माइनस q और q ये दिए गए साहब। हमने कहा इन दोनों प्लेटों पर टोटल चार्ज का समेशन 3q रहेगा, इस पर चार्ज यदि q रहेगा तो इस पर चार्ज भी q रहेगा। बोलो हाँ कि ना, कंडक्टर की आउटर सरफेसेस पर चार्ज इस कॉम्बिनेशन में इक्वल होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद मान लो इस पर चार्ज है Q1, तो इस पर चार्ज है माइनस Q1, सही बोल रहा हूं, तो इस पर चार्ज है Q1 तो इस वाले पर चार्ज है माइनस Q1, तो इस वाले पर चार्ज कितना बचा? इस वाले पर चार्ज बचा माइनस क्यू प्लस Q1। बोलो सही है क्या? क्योंकि नेट चार्ज माइनस Q1 है इसके ऊपर। इस पर यदि ये चार्ज है तो इस वाली सरफेस पर चार्ज आएगा Q-Q1। बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ, मैं इसको मान रहा हूं पॉजिटिव, इसको मान रहा हूं नेगेटिव, इसको मान रहा हूं पॉजिटिव, इसको मान रहा हूं नेगेटिव। बोले जी ठीक है, ये डिस्टेंस है डी और ये डिस्टेंस है 2D। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली, और इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली, पॉजिटिव प्लेट से किधर? नेगेटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, अब देखिए यदि इन दोनों प्लेटों पर टोटल चार्ज जोड़ें तो क्यू प्लस Q1 प्लस क्यू माइनस Q1 प्लस क्यू, दैट वैल्यू कम्स इज 3Q, टोटल चार्ज दोनों को जो दिया गया है। Q1 से Q1 सहित हो गया, 2Q कम्स इज 2Q, मतलब स्मॉल क्यू आ गया कैपिटल क्यू, मतलब इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू। बोलो ठीक, अब Q1 देख लेते हैं साहब, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज 2Q होना है ना, मतलब इन पर टोटल चार्ज 3Q, इस पर पहले 2Q था, तो इस पर जो चार्ज का समेशन होगा यदि वो 2Q से ज्यादा है तो इस पर चार्ज आया है, और 2Q से कम है तो इससे चार्ज गया है, और कितना वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा देखो ऐसा है, ये दोनों कनेक्टेड है,
दैट मींस इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो हमने कहा साहब यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्यू वन अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डिस्टेंस डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच जो लिखा जाएगा माइनस कैपिटल क्यू माइनस क्यू वन इनटू में टू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यदि यदि अपन इनको सोल्व करें तो साहब डी बाई ए एप्सिलॉन नोट से डी बाई ए एप्सिलॉन नोट तो गया, उधर वैल्यू कैपिटल क्यू माइनस में क्यू वन इज इक्वल टू क्यू वन डिवाइडेड बाई टू आ रही, तो कैपिटल क्यू कम्स एज दिस वैल्यू इज थ्री क्यू वन डिवाइडेड बाई टू, तो क्यू वन की वैल्यू जो मेरे पास आई वो आ गया टू क्यू बाई थ्री। अब भाई साहब क्यू वन की वैल्यू टू क्यू बाई थ्री आई है ना, इस पर चार्ज एक तो कैपिटल क्यू है, एक चार्ज है टू क्यू बाई थ्री, तो इस पर चार्ज बचा कितना, बोला इस पर टोटल टू क्यू होना था, यहां क्यू है यहां टू क्यू बाई थ्री है, इसका मतलब क्यू बाई थ्री चार्ज इससे फ्लो करके इधर वाली प्लेट पर गया है, बोलो हाँ कि ना, पक्का सेट है। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव में अपने को यह कहा गया है कि ए और सी को अर्थन किया, then which of the following case the charge on left plate of B is 4q by 3, और इसका जो correct answer मेरे पास आता है वो second आता है साहब, मतलब second, third और q, sorry, ठीक है, charge लिखते हैं पहले second, third और q में कितना charge आ रहा है। second में charge है साहब q, third में charge है 2q और q में charge है minus q, बोलो set है क्या सर, बोले जी ठीक है। तो इन प्लेटों पर जो नेट चार्ज है वो तो है जीरो। अब अपने को ये बोला जा रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में इसकी एक साइड पर प्लेट पर चार्ज, इस पर टोटल टू क्यू होना है, यदि यहां फोर क्यू बाई थ्री दिया तो यहां मैं दे सकता हूं टू क्यू बाई थ्री, बोलो हां कि ना, बोले हां टोटल टू क्यू आ रहा है, बोला आ रहा है, तो इस पर यदि फोर क्यू बाई थ्री तो इस पर कितना हो सकता है माइनस फोर क्यू बाई थ्री, और इस पर टू क्यू बाई थ्री तो इसकी इस सरफेस पर कितना हो सकता है, बोले माइनस टू क्यू बाई थ्री। और किया क्या गया है, ए और सी दोनों को अर्थंड कर दिया गया। अब यदि मैं प्लेट को अर्थंड कर देता हूं ना तो भाई साहब इनके इनिशियल चार्जेस का इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कितना भी चार्ज एक्स्ट्रा आ सकता है और कितना भी चार्ज एक्स्ट्रा जा सकता है, ग्राउंड के बेसिस पर तो बात एक ही होती है कि पोटेंशियल जीरो बनाना है। अब पोटेंशियल जीरो बनाना है इसका मतलब यदि मैं यहां से यहां जाऊं जितना पोटेंशियल ड्रॉप इधर आ रहा है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इधर आना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। तो सुनो मेरी बात को, चार्ज है 4q by 3, a epsilon not electric field intensity into में distance d, इसमें 2q by 3 है तो 2q by 3 into में a epsilon not into में distance कितनी, that distance is a 2d, बोलो हाँ कि ना, दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी जितना जा रहा है उतना ही उतर जा रहा है, तो ये आंसर अपना होगा, बोलो सेट है पक्का। चलिए जी सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए सिक्स में क्या कहा जा रहा है कि प्लेट बी अर्थंड है, then which of the following cases the sum of charges on plate A and C is 2q, B अर्थंड है तो B के चार्ज को भूल जाओ, बोला A और C के चार्ज का समेशन 2q होना चाहिए, तो फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है तो 1, 4 और R है ना, तो भाई 1 और 4, 1 में 0, 4 और को तो भूल जाओ कोई मतलब ही नहीं, अर्थंड है और आर, आर में चार्ज है 2q। देखो इन दोनों पर चार्ज का समेशन जो है ए पर और सी पर, अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा अर्थ से तो आएगा नहीं, तो दोनों का टोटल चार्ज देख लो, किसी भी ऑप्शन में देखोगे तो बाकी चार्ज बाकी ऑप्शंस में चार्जेस का समेशन 2q नहीं आ रहा है, इस ऑप्शन में चार्जेस का समेशन 2q आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बोलो सेट है क्या सर। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, तो ये तो अपनी बात हुई 6 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस की, उसके बाद अपने पास सेक्शन बी है और सेक्शन बी में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन 1 बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। फिगर शोज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, करंट आई फ्लोज अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ओके आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आई आ रही है, फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डी ए फॉर पाथ बी ए, ये जो पाथ बी ए है ना डियर, इस पाथ बी ए के लिए इंटीग्रल ई बी डॉट डी ए बताना है। ये कहा गया कि ओबी जो है ना वो रूट थ्री प्लस वन आ रहे है, मतलब ये डिस्टेंस रूट थ्री प्लस वन आ रहे है, उसके अलावा ये वाली जो डिस्टेंस कही गई है
ये वाले डिस्टेंस 2R है, बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। तो मैंने कहा साहब मेरे को यदि ये वाला एंगल मिल जाता ना जीवन में, तो टोटल करंट है I, तो इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ I इन लेनी है, I इन की वैल्यू I बाई 2 पाई इनटू मैं थीटा से कैलकुलेट कर दूंगा मैं। मेरा क्वेश्चन यही सोल्व हो गया। मेरे को उस पाथ के अलोंग इंटीग्रल बी डॉट डीएल चाहिए, बोले हाँ। तो वो एंगल निकाल लो, म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ I ही तो लेना है, बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। तो साहब ये थीटा आते ही केस सोल्व है। अब ये थीटा की यदि अपन कहानी कहें तो भाई साहब देखो ऐसा है, मैंने कहा ये वाला जो एंगल है, एक एंगल और दिया गया है, कौन सा? OBA, दिस वन इज B, दिस वन इज A, दिस वन इज O, O B A, दिस वन इज 45। तो हमने कहा जी साहब देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, लेट सपोज ये वाला एंगल फाइव वन है, तो मैंने कहा कि 2R डिवाइडेड बाई साइन 45 एंड दिस वैल्यू इज रूट 3 प्लस 1R डिवाइडेड बाई साइन 5, बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। अब यहां से आर सही दो गया, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता तो ये डाटा 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 साथ में साइन 5। तो बेटू साइन 5 जो मेरे पास आया दैट वैल्यू इज रूट 3 बाई 2 इंटू में 1 बाई रूट 2, थोड़ा सा सजा के लिखा बस इसको, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू में 1 बाई रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2, 2 रूट 2 को एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ये वाला जो डाटा मेरे पास आ रहा है साइन 5, देखिए दो के पॉसिबल केसेस बन गए यहां पर, क्या क्या? ये एक तो बना साइन 45 प्लस 30 का केस, साइन 45 कोस 30, कोस 45 साइन 30, और ये दूसरा केस बना साइन 60 प्लस 45 का केस, साइन 60 कोस 45, कोस 60 साइन 45। मतलब फाइव की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो भाई साहब फाई की जो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, आइदर इट इज 75 डिग्री और इट इज 105 डिग्री, और एक वैल्यू मेरे पास पहले से 45 है, तो जो बची हुई वैल्यू है वो कितनी आई? बोले साहब 75 प्लस 45 यदि मैं करता हूं तो डाटा आता 120, तो इस वाले केस में तो थीटा आएगा मेरे पास 60 डिग्री, और 105 प्लस 45 मैं करता हूं तो ये वाला डाटा आता 150 डिग्री, इसका मतलब थीटा आ गया मेरे पास कितना? 30 डिग्री, बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। तो थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये वाला डाटा है मेरा पाई बाई 3 का और ये वाला डाटा है मेरा पाई बाई 6 का। तो डियर जो म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई इन अपन लिख रहे थे थीटा के टर्म्स में, यदि थीटा 30 डिग्री डालेंगे तो ये डाटा आएगा म्यू नॉट आई बाई 12, और थीटा यदि 60 डिग्री डालेंगे तो ये डाटा आएगा म्यू नॉट आई बाई 6, बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। तो इंटीग्रल बी डॉट डी दिस वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाई 12 और आइदर इट इज म्यू नॉट आई बाई 6। तो इसके बेसिस पर दो आंसर अपने को दिए गए हैं, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर एंड सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है क्या सर? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन में। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है दैट अ ग्लास सिलेंडर वेसल विद बेस कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मतलब इसके बेस पर एक कॉनकेव मिरर है और डियर इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है ना बेटा वो मेरे को 20 सेंटीमीटर दी गई है। बोला ठीक है। इस फिल्ड विद टू इमिसिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स, इस वाले लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इस वाले लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। The thickness of liquid levels are 15 centimeter and 14 centimeter respectively. If this is moving upward with the principal axis, along the principal axis with a speed 1 centimeter per second, fish जो है वो इस वाले direction में जा रही है और fish की speed है 1 centimeter per second. A bird is moving vertically downward direction with a speed 2 meter per second. एक bird जो है वो downward direction में जा रहा है और इसकी speed जो है वो 2 centimeter per second है. A small hole is made at the bottom surface of the vessel. इसके vessel पर एक small hole अपन ने बना दिया है. When the distance of the fish from the pole is 10 centimeter, fish की distance pole से 10 centimeter है, तो liquid level की जो falling rate है, वो 1 centimeter per second है, तो मेरे को इसमें दो चीजें बतलानी है कि fish जो है, वो खुद की image, खुद के respect में किस velocity से देखता है और fish की जो image बन रही है reflection से उसे bird किस velocity से देखता है। ये question इन दो चीजों पर based है। चलिए जी सर अपन question की बात करें। देखिए starting की situation ऐसी है कि यहाँ पर अपने पास कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, फिश यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और फिश जो है इस वाली डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है, तो इमेज जो बनेगी मेरे पास, चलिए उसको सोल्व करते हैं। 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला मेरे पास आया, तो इसको सोल्व करने पर v की वैल्यू जो है वो प्लस 20 सेंटीमीटर आ रही है। मतलब ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यदि मैं यहां से
वेलोसिटी की बात करता हूं तो v comes as minus of m square, velocity of image equals to minus of m square into velocity of object. तो ये m की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, मैग्निफिकेशन तो 2 आया और ये वाली वैल्यू 1 दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड. अब ये माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आया ना, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फिश मूविंग है, बट फिश की इमेज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग होगी, तो फिश की इमेज इस डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूविंग है. बोले जी ठीक है. फिर यहां पर मेरे पास लिक्विड सर्फेसेस है. बोलो ठीक, ये लिक्विड सर्फेस इधर जा रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से और ये लिक्विड सर्फेस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है. सबसे पहली चीज, यदि मैं फिश की इमेज की वेलोसिटी फिश के रेस्पेक्ट में डिफाइन करता हूं, विद रेस्पेक्ट टू फिश, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश. वेलोसिटी ऑफ इमेज है माइनस 4 जे कैप एंड वेलोसिटी ऑफ फिश जो है वो प्लस जे कैप है, ऊपर जा रहा है, तो दिस वैल्यू इज माइनस 5 जे कैप. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू फिश, मतलब फिश अपनी इमेज की वेलोसिटी ये देखेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो यहां पर एक तो मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं, तो बेटा थर्ड करेक्ट आंसर आता है. अब बर्ड किस वेलोसिटी से देखता है उसे, बर्ड है भाई साहब यहां और बर्ड जा रहा है उस इंस्टेंट पर डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से. बोलो हां कि ना. तो सब चलिए, अब देखो इस सिचुएशन में सबसे पहले फिश की वेलोसिटी इस सरफेस इमेज की रेस्पेक्ट, वेलोसिटी इस सरफेस के रेस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. बोलो हां कि ना. बोले हां नहीं. तो यहां पर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी. बोले जी इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका है 1.4, सो दैट इज 1.4 into 1.5 into velocity with respect to the surface, that is 3. बोलो हाँ कि ना. बोले हाँ. अब इधर वाला जो बर्ड बैठा है भाई, ये दोनों तो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं. इधर जो बर्ड है या फिर बर्ड के पास यहां जो ऑब्जर्वर है वो इसके रेस्पेक्ट में उसे किस वेलोसिटी से देखेगा, तो म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जेक्ट. मैंने ऐसे तो किया, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सरफेस म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट, दोबारा से उसको कर दिया. तो भाई साहब 1.4 से तो 1.4 सही हो गया. दिस वैल्यू इज 13/15 एंड दैट वैल्यू कम्स एज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है. बोले जी साहब सरफेस के रेस्पेक्ट में बात की गई है. तो सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, या फिर यहां वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस एस वन, दिस वैल्यू कम्स एज 2 जे कैप माइनस में. तो वेलोसिटी ऑफ दिस माइनस में वेलोसिटी ऑफ एस वन, दिस कम्स एज माइनस ऑफ 2 जे कैप. बोलो हाँ कि ना. बोले हाँ. सही बोल रहा हूं. बोले जी सही बोल रहे. मतलब अपने पास इमेज की वेलोसिटी, अब यदि मैं इन सरफेस की नेमिंग करता हूं, जैसे इस ये वाली सरफेस होगी एस टू और ये वाली सरफेस होगी एस वन. बोलो सही. तो भाई ये इमेज की वेलोसिटी आ गई इस सरफेस एस वन के रेस्पेक्ट में, ना. तो यदि मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां पर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बतलाना चाहूं, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसको अपन इधर लेकर आएंगे और दिस इज वेलोसिटी ऑफ सरफेस वन. अब वेलोसिटी ऑफ सरफेस वन दी कितनी गई है अपने को, 1 दी गई है. मतलब ये डाटा घूम फिर के वापस से उतना ही सेट हो गया जितनी उसकी रियल वेलोसिटी थी. तो ये डाटा मेरे पास माइनस 3 जे कैप आ गया. मतलब यहां पर बैठे किसी ऑब्जर्वर को, यहां पर बैठे किसी ऑब्जर्वर को ये इमेज नीचे की तरफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही दिखाई देगी. तो ये जो बर्ड है बेटा, ये बर्ड खुद कितनी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से. इमेज जा रही है कितनी से, 3 से. तो उसको वो कितने से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से. आई थिंक बात सेट है. बोलो हाँ या ना. चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं. अपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है. 3 में कहा गया दैट अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ वॉल ऑफ हाइट बी. इट जस्ट क्लियर्स द वॉल द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां से ए डिस्टेंस से यहां पर एक बी हाइट की वॉल है और ये स्टोन ऐसे फेंका गया कि जस्ट ये इसको क्लियर करता है. तो इसकी जो अटेंडेंट मैक्सिमम हाइट है मेरे को उसके बारे में बतलाना है कि साहब वो मैक्सिमम हाइट कितनी है. तो हमने कहा जी साहब देखो ऐसा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है ना वो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस zx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होती है. बोलो सही. तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स a कोमा b, तो अपन इसको रख दें b इज इक्वल टू a tan थीटा माइनस में ga स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. बोलो सही है क्या सर. अच्छा, तो यहां से बेटा अपने पास अधिकतम मैक्सिमम हाइट अपने से पूछी गई है. अब देखो आगे यदि अपन इसको सोल्व करते हैं ना, तो अपन इस वाले डाटा को इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो हमने कहा जी साहब जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
ये डाटा मेरे पास ए टेन टीटा माइनस में भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अपन ने यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा लिया है, मैंने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो सर यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है ना, यू स्क्वायर बाई जी, वो निकल कर आ रही है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए टेन टीटा माइनस में बी, और साथ में डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सही। अच्छा तो देखो बेटू, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। बोलो सही। तो मेरे पास यू स्क्वायर बाई जी तो है, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डाटा मेरे पास आ गया ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, ये टू और टू, दिस वैल्यू इज फोर। बोलो सही। तो भाई यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू रखी, साइन स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो ये डाटा मेरे पास निकल कर कुछ ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं अपन, है ना, ऊपर से टेन थीटा को कॉमन ले लिया और उसको वन बाई कोट थीटा लिख दिया, नहीं टेन थीटा को कॉमन लिया और उस वाले डाटा को अपन ने वन बाई कोट थीटा जैसे ही लिखेंगे ना, तो अपना थर्ड वाला जो आंसर है भैया वो मैच कर जाएगा। बोलो सेट है क्या सर? पक्का? चलिए सर फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मेरा, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए फोर्थ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन का, समझते हैं जरा क्वेश्चन के कंसेप्ट को। कि दैट ए होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस 4R इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। एक होलो सिलेंडर है, इस वाले पॉइंट से जो पासिंग एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में ही रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद रेस्पेक्ट टू द इनर सरफेस ऑफ होलो सिलेंडर। इसकी होलो सिलेंडर की जो इनर सरफेस है इस पर ये रोटेट कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, ठीक है सर। एट द गिवन इंस्टेंट द लाइन एसी हैज एन एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा नॉट, लाइन ओसी जो है उसके पास एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा नॉट है। पॉइंट ए और बी जो है, पॉइंट ए जो है ना डियर, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, डायग्राम में मिसिंग है पर इस क्वेश्चन में बोला गया ए एंड बी आर द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू सी एट इट्स सेंटर देन एट द गिवन इंस्टेंट। तो साहब गिवन इंस्टेंट पर सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन क्या है बेटा कि एक होलो सिलेंडर है, इसकी रेडियस है 4R, ठीक है, और ये होलो सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, और उसके अंदर यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? बोले जी 3R, सेंटर से डिस्टेंस होगी इसकी 3R, और ये इस वाली डायरेक्शन में इस लाइन के लॉन्ग इसकी एंगुलर वेलोसिटी है क्या आप कितनी 2 ओमेगा नॉट इस लाइन के रेस्पेक्ट में, और किधर वाली डायरेक्शन इसकी दी गई है, डायरेक्शन अपोजिट दी गई है, मतलब अपन ने गलत ले लिया डायरेक्शन को, इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से दी गई है 2 ओमेगा नॉट। बोलो ठीक। अच्छा जी हमसे पूछा क्या क्या गया है, सबसे पहले सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है साहब, यहां पर सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस 4R है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, सुनना बात को जरा, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है ना, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट है सॉलिड खोलो सिलेंडर के पास, तो इस वाले पॉइंट के पास इधर वेलोसिटी होगी 4 ओमेगा नोट आर। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। इसके पास इधर वेलोसिटी 2 ओमेगा नॉट है इस लाइन के पास, तो इसके पास इधर वेलोसिटी होगी, ये डिस्टेंस है 3R, तो ये वाली वेलोसिटी होगी 6 ओमेगा नॉट आर। बोलो यस और नो? बोले हां। मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस पॉइंट के पास इधर वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, रिजल्टेंट होनी चाहिए ये सेंटर के रोलिश मोशन की वजह से आ रही है ओमेगा आर, सेंटर की वेलोसिटी है 6 ओमेगा नॉट आर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए 4 ओमेगा नॉट आर। बोलो सही। तो यहां से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास आ रही है, दैट एंगुलर वेलोसिटी इज कमिंग एज 10 ओमेगा नॉट, मतलब ये जो सिलेंडर है होलो सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 10 ओमेगा नॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे पास होगा, एक तो फर्स्ट वाला हो गया, दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इस पॉइंट ए की एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो मैं कहूं एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए That will be acceleration of point A with respect to C plus acceleration of C. बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। अब साहब सुनना बात को, acceleration of A with respect to C, C ये रहा और इसकी angular velocity है 10 omega not, तो यहां वाले point के पास इधर angular velocity होगी 100 omega not acceleration, इतना इसके respect में इसका acceleration, और इसका खुद का acceleration ये ऐसे rotate करता हुआ जा रहा है, तो इसका खुद का acceleration जो होगा वो होगा 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू में डिस्टेंस दैट इज 3R।
this value is coming as 12 omega naught r, this is 100 omega naught square r, तो इसका resultant जो acceleration मेरे पास आएगा, that is 88 omega naught square r, so second one is the correct answer. चलिए, तो third तो incorrect हो गया, फिर fourth कह रहा है कि what is the radius of curvature of point A, point A की radius of curvature, देखो बेटा, point A जो है, उसकी velocity कितनी है सबसे पहले तो सुनना जरा बात को, एक तो इधर होगी omega r, और एक center वाली भी इधर जुड़ गई 6 omega naught r, तो इसकी velocity मेरे पास आई 16 omega naught r, क्योंकि omega जो है वो 10 omega naught है, तो इसकी velocity है 16 omega naught r, और इसका जो acceleration है वो है इतना, तो radius of curvature जो है वो velocity का square, that is 16 omega naught r का square divided by its acceleration, that is 88 omega naught r, तो यहाँ से इसको solve करते ना dear, तो ये वाला data मेरे पास निकल कर आता है 32 r divided by 11, this is the radius of curvature of point A, बोलो set है sir, पक्का? तो करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन के जो होंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4. चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गया है दैट ए होलो ट्यूब कंटेनिंग ए बॉल इज कैप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ओके, एक गेंद वाली खोखली नली जिस टेकनी शक्ति सतह पर रखी जाती है. नाउ द ट्यूब इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली एंड द बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए. हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया. N1 और N2 जो है वो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल एक्सेलरेशन अप्लाइड बाय इनर एंड आउटर सरफेसेस रेस्पेक्टिवली. इनर सरफेस और आउटर सरफेसेस के एक्सेलरेशन है N1 और N2. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर आर करेक्टली रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ नेचर ऑफ N1 एंड N2. बोले ठीक है सर. चलिए सर देखिए यहां पर इसको रखा, जैसे ही सोचो ये थीटा एंगल तक डिस्प्लेस हो चुका है. किस तक? थीटा तक. थीटा एंगल तक डिस्प्लेस हो जाएगा ना, तो उस टाइम पर क्या होगा? इसके ऊपर इधर सुडो फोर्स लग रहा होगा एम ए नोट. बोलो हां की ना. बोले हां भाई. इसका एक्सेलरेशन यदि इधर ए नोट है तो इस पर सुडो फोर्स इधर एम ए नोट. ये जो डिस्टेंस है ये वाला, यदि ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है तो ये डिस्टेंस आर वन माइनस कोस थीटा. तो वर्क डन जो मेरे पास आएगा दट इज एम ए नोट आर वन माइनस कोस थीटा. वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो स्पीड वी स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, वी स्क्वायर इज कमिंग एज एम तो कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज 2 ए नॉट आर 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज वी स्क्वायर है ना स्पीड. अब उसके बाद सुनना मेरी बात को, ये जब बोल यहां है इस पर इधर फोर्स लग रहा है एम ए नॉट, इधर फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, और मैंने कहा इधर इनिशियली फोर्स लग रहा है एन वन, एन वन लग रहा है तो इधर वाली डायरेक्शन में ये वाला एंगल थीटा था तो इधर भी थीटा, तो ये हो गया एम ए नोट कोस थीटा, और ये वाला हो गया एम ए नोट साइन थीटा. ये तो भाई साहब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे देगा, और ये जो है रेडियल डायरेक्शन में फोर्स से बात करेंगे तो एन वन की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी एम ए नोट कोस थीटा माइनस में एम वी स्क्वायर बाई आर. बोलो हाँ की ना. बोले हाँ. तो डाटा मेरे पास आया एम ए नोट कोस थीटा माइनस में एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये तो गया, दिस वैल्यू इज 2 एम ए नोट प्लस 2 एम ए नोट कॉस थीटा. तो डियर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आ रहा है दैट इज एम ए नोट, कॉमन डाला, दिस इज 3 कॉस थीटा माइनस में 2 ए नोट. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेस वन, और ये कब जाकर जीरो हो जाएगा? जब भाई साहब 3 कॉस थीटा 2 ए नोट के इक्वल हो जाएगा, मतलब जब कॉस थीटा की वैल्यू जो है, सॉरी 3 कॉस थीटा जब 2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब जब कॉस थीटा 2 बाई 3 के इक्वल होगा, उस टाइम पर n1 जीरो हो जाएगा. मतलब ये क्या करेगा, पहले जो बॉल है ना वो इनर सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगी, और उसके जस्ट बाद, मतलब जैसे ही कांटेक्ट छोड़ेगा उसके जस्ट बाद जो बॉल है ना वो आउटर सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगी. तो जब आउटर सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगी ना, तो अपन mv स्क्वायर अपॉन r इधर लगाएंगे और n2 की वैल्यू किधर लेंगे, इनवर्ड लेंगे. मतलब पहले तो इनर सरफेस नॉर्मल लगाएगी, फिर आउटर सरफेस नॉर्मल लगाएगी, तो इसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो ग्राफ होगा n1 और n2 का, शुरू में n1 होगा, बोला शुरू में n1 होगा पर्टिकुलरली किसी एक एंगल तक होगा और कोस के ग्राफ के साथ होगा, तो बोला ऐसा होगा, और उसके बाद n2 होगा, उसके बाद की जो सिचुएशन है उसमें n2 होगा. अब n2 को लेकर यदि मैं बात करता हूं बेटा जी, तो इसमें ग्राफ को लेकर सोचें, mv स्क्वायर बाई r आउटवर्ड इज इक्वल टू n2 प्लस ma नोट कॉस थीटा. बोलो सेट है क्या सर? बोले जी ठीक है. तो यहां से यदि अपन इसमें करेक्ट ग्राफ की बात करते हैं, तो इस वाले ग्राफ में देखो ये वाला नेचर आ रहा है, मतलब ग्राफ कोस का जाना है, कोस का जाना है, तो फिर कौन सा वाला नेचर आएगा साहब? ये वाला नेचर आएगा. बोलो हाँ या ना. बोले हाँ. ग्राफ कोस का कैसे जाना है? mv स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r की वैल्यू पुट कर दो,
बोलो सेट है पक्का। सो 1 और 4 आर दी करेक्ट आंसर्स। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कहा गया है कि दो मिरर है ना, आर M1 एंड M2 एंड एंगल फाई विथ लाइन AB। ओके, लाइन AB के साथ एंगल फाई पर है, ये वाली लाइन AB है एक्चुअली, ठीक है साहब। A इज अ पॉइंट सोर्स S, ए पॉइंट सोर्स S इज केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर, ए स्मॉल हेमिस्फेरिकल एनुलर मास इज केप्ट क्लोज टू S सो दैट नो रे emitting from S reaches the screen kept at a distance B from the source. Interference patterns of rays observed from mirror and M2 and M2 on the screen. Find the fringe width of this interference pattern. Wavelength जो दी गई है ना dear, वो lambda दी गई है अपने को, बोले ठीक है। हमने कहा देखो साहब situation कुछ ऐसी है, ये screen, ये एक यहां पर और एक यहां पर point source है, ये डिस्टेंस है बिटू आर और ये वाली डिस्टेंस दी गई है बी, है ना। इसकी वजह से ये पॉइंट सोर्स है, इसकी वजह से लाइट रेज एमिट हो रही है और इन लाइट रेज को ब्लॉक करने के लिए यहां पर ये वाला पार्ट रख दिया गया, मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ही जाएगी, आगे कोई लाइट रे डायरेक्टली इस पर नहीं जा रही, बोले जी ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इसका एक्चुअली यहां इमेज बनेगी, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। अब सुनना मेरी बात को, ये आर है, इसका मतलब ये वाला डाटा कितना है, बोले ये डाटा है आर से साइन फाई, नहीं ये आर साइन फाई है, तो भाई साहब ये डाटा भी कितना है, बोले जी ये भी है आर साइन फाई, ये आर साइन फाई, ये आर साइन फाई। फिर उसके बाद इधर भी भाई, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, ये डिस्टेंस है 2R साइन फाई, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस भी है 2R साइन फाई, ठीक। अच्छा जी अब सुनना जरा बात को, ये इमेज यहां बन रही है, ये वाला एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल 90-5 है, ये r sin phi या r sin phi, तो ये वाली जो डिस्टेंस मेरे पास निकल कर आएगी, दिस डिस्टेंस इज 2R sin phi, तो मैंने कहा ये आ गया 2R sin phi साथ में sin phi, और ये वाली जो डिस्टेंस मेरे पास आई, ये वाली डिस्टेंस आ गई 2R sin phi cos phi, बोलो हां कि ना, बोले हां, नहीं सही। अच्छा जी साहब, तो देखो स्क्रीन है यहां, ये डिस्टेंस है बी, तो ये तो हो गई सोर्स से जिससे स्क्रीन की डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल डी, तो कैपिटल डी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई साहब बी प्लस आर साइन 2 फाई और सॉरी आर 2R साइन स्क्वायर फाई, और ये वाली जो डिस्टेंस आई ये आ गई आर साइन 2 फाई। देखो ये आर डिस्टेंस आर साइन 2 फाई, इधर वाली डिस्टेंस आर साइन 2 फाई, तो स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2R साइन 2 फाई, बोलो यस और नो, बोले हाँ। अब फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, और इसमें अपन 2R साइन 5 से उसको डिवाइड करेंगे, तो डियर इसमें अपने पास फर्स्ट और थर्ड, देखो फर्स्ट तो सीधा सीधा ही आ गया, 2R साइन 5 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड वन, फर्स्ट और थ्री, ये दोनों आंसर करेक्ट आएंगे, बोलो ठीक है क्या सर पक्का। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे यदि मैं इसमें बात करूं तो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है ना बिटू, वो अपने पास इंटीजर सेक्शन है, इसमें 6 इंटीजर वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर वेरीज एज सिग्मा इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू आर वेक्टर, वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज कांस्टेंट वेक्टर, not constant velocity, this is a constant vector along positive x-axis and r is the positive vector with respect to the origin, okay. It is kept on a smooth horizontal surface with flat surface in contact with surface, okay. Now force F is applied in such a way that it moves translatory without any rotation, okay sir. The value of H की value पूछी गई है, actually में क्या situation है, समझना जरा बात को, situation कुछ ऐसी है कि ये मेरे पास एक half disk है ना, और इस हाफ डिस्क के सेंटर से h डिस्टेंस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, मैं ऐसे चाहता हूं कि ये डिस्क जो है वो केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन करे, रोटेशनल मोशन ना करे, तो बोले साहब क्या करना पड़ेगा, बोले सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाओगे तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन है नहीं करेगा, बोलो हां कि ना, बोले हां, सही बोल रहे हो, बोले जी ठीक है।
तो मुझे एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में पंगा है, क्योंकि जैसे यहां से r डिस्टेंस पर लीनियर मास डेंसिटी जो है वो मेरे को a क्रॉस r दी गई है। मेरी बात समझ गए क्या आप? सॉरी, सरफेस मास डेंसिटी जो है वो a क्रॉस r दी गई है। a क्रॉस r मतलब इट इज ar sin थीटा। बोलो यस सर, उन्होंने बोला हाँ। पर यदि ये ar sin थीटा आया ना मुन्ना, मतलब एंगल थीटा पर और डिस्टेंस के साथ दोनों के साथ वेरिएबल है। बोलो हाँ कि ना, बोले सही है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा जितनी वाई डिस्टेंस पर, जितनी वाई डिस्टेंस पर उधर वाली हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा ना, उतनी वाई डिस्टेंस पर इधर वाली हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा। बोले जी बिल्कुल होगा। तो मैंने यहां एक रोड बनाई। अब इस रोड के हर एक एलिमेंट के लिए यदि ये वाला एंगल थीटा है तो हर एक एलिमेंट के लिए मास डेंसिटी ए आर साइन थीटा हो गई। बोलो एग्री कर रहे हो क्या? क्योंकि ए क्रॉस आर जो होता है ना, सुनना बात को जरा, जैसे मैंने कहा यहां का कोई एलिमेंट है यहां से फाई एंगल पर, तो ये हुआ आर वन साइन फाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वाले केस में आर टू साइन फाई टू। बोलो हाँ या ना? बोले हाँ। इस वाले केस में आर साइन थीटा, तो ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे केसेस में क्या है? बोले जी सेम है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे केसेस में क्या है? बोले जी सेम है। अब परपेंडिकुलर सारे डिस्टेंसेस में, सारे केसेस में सेम है, तो मास डेंसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया सबके लिए सेम। बोले हाँ अच्छा। तो मैंने कहा यहां से वाई डिस्टेंस पर आपने जो डीवाई थिकनेस का एलिमेंट लिया है, वाई डिस्टेंस पर जो डीवाई थिकनेस का एलिमेंट लिया उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपन दे देंगे अंडर रूट वार स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। बोलो सही बोल रहा हूं? बोले हाँ। फिर बोले साहब इसका मास कितना होगा? बोले इसका मास होगा ए आर साइन थीटा इंटू में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? बोले हाँ। ये इस एलिमेंट का मास हो गया ए आर साइन थीटा इंटू में दिस इंटू में डी वाई। डी वाई क्यों? ये तो हो गई लेंथ इंटू में थिकनेस, तो रेक्टेंगुलर स्लैब का एरिया। तो साहब यहां से मेरे पास मास डीएम की वैल्यू आ गई। तो वाई सी क्या होता? बोला वाई सी होता इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम की बात की तो आर साइन थीटा तो वाई होता पहले से ही। देखो आर साइन थीटा वाई के बराबर आ रहा है, तो इट इज ए वाई इंटू में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू में वाई डिवाइडेड बाई ए वाई इंटू में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। तो यहां से यदि अपन लिमिट लगाते हैं ना, तो वाई की वैल्यू जो है वो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक अपने पास जाती है। बोले सेट है। अब देखो बेटा जी, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यहां वाई स्क्वायर बनेगा तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा ले लेना, और नीचे तो कोई पंगा नहीं है, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू सोल्व करने पर मेरे पास आती है सोल्व करके 3πr डिवाइडेड बाई 16। बाकायदा मैंने सोल्व करके देखा है। तो यहां से यदि अपन अपने क्वेश्चन के साथ कंपेरिजन करते हैं तो के की वैल्यू जो निकल कर आती है दैट वैल्यू कम्स एज 3। बोलो ठीक। चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक SHM का क्वेश्चन है ना, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर पुलीज आर स्मॉल एंड लाइट एंड स्प्रिंग आर आइडियल, K1 इज इक्वल टू दिस, K2 इज इक्वल टू दिस, K3 इज इक्वल टू दिस एंड K4 इज इक्वल टू दिस। फोर्स कांस्टेंट दिए गए स्प्रिंग के, और मेरे को टाइम पीरियड जो है ना वो कैलकुलेट करके बतलाना, और ये कहा गया कि साहब मास जो है ना वो 3 kg है। अच्छा जी सर, देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये मास है m, यहां पर एक स्प्रिंग, यहां पर एक स्प्रिंग, यहां पर एक स्प्रिंग, यहां पर एक स्प्रिंग। बोलो ठीक। बोले जी ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K3, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K4। तो अपन क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में mg को तो भूल जाते हैं। बोले ठीक। फिर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, इसमें एक्सपेंशन यदि x4 है, देखो सोचो इसको रिलीज किया x4 से, तो स्ट्रिंग कितनी फ्री हुई? 2x4। इधर कितनी फ्री हुई? 2x3। इधर 2x1 और 2x2। तो पहली इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू x0, या फिर x इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ बोले तो। बोलो हाँ या ना? बोले हाँ। अच्छा, इसमें टेंशन T है,
तो इसमें कितना होगा 2t, इसमें 2t, इसमें 2t, इसमें 2t, तो भाई साहब t की वैल्यू, 2t की वैल्यू k1x1 के इक्वल है, तो t की वैल्यू k1x1 by 2, t की वैल्यू k1x1 by 2, सिमिलरली t की वैल्यू k2x2 by 2, सिमिलरली इसकी वैल्यू k3x3 by 2, और सिमिलरली इसकी वैल्यू k4x4 divided by 2, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। तो हमने कहा जी साहब देखो ऐसा k1x1 k2x2 के बराबर है, k3x3 के बराबर है, k4x4 के बराबर है, यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं इट इज 2x1 प्लस 2 टाइम्स k1x1 डिवाइडेड बाय k2 प्लस में 2 टाइम्स k1x1 डिवाइडेड बाय k3 प्लस में 2 टाइम्स k1x1 डिवाइडेड बाय k4, दिस इज x, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 2k1x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस में, तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे k1 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं यहां से कह सकता हूं साहब कि क्या कॉमन आ रहा है 2k1 x1 कॉमन आ रहा है, दिस डाटा इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4, दैट वैल्यू कम्स एज x, बोलो हां कि ना, बोले हां। अब देखो k1 x1 जो है ना वो किसके इक्वल है, बोले जी 2t के इक्वल है, तो यदि मैं यहां डाटा पुट करूंगा तो इट इज 4t इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4, बोलो हाँ कि ना, दिस इज x। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है t by x के इक्विवेलेंट वाला डाटा के, तो t by x की वैल्यू मेरे पास है यहां से 1 by 4, साथ में 1 by k1 plus 1 by k2 is 2k1, k3 is 3k1 and k4 is 4k1, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ। तो यहां से यदि मैं k इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, देखिए 1 by k1 plus 1 by 2k2 plus 1 by 3k3 plus 1 by 4k4 है, LCM लोगे तो 12 आएगा, ये 12 plus 6 that is 18, LCM 12 आएगा, 12 plus 6 that is 18, 18 plus 4 that is 22 plus 3 25, तो ये वाला डाटा आया 4 into में 25 divided by 12 k1, इसका मतलब ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है 3 k1 divided by 25, अब k1 जो है वो 25 pi square के equal है, तो मतलब k equivalent जो मेरे पास आया वो सीधा सीधा 3 pi square के equal आ गया, अब k इक्विवेलेंट इतना आया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k, अब k इक्विवेलेंट है 3 पाई स्क्वायर, m दे रखा है 3 kg, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, तो टाइम पीरियड जो मेरे पास यहां पर शो होकर आ रहा है द टाइम पीरियड इज कमिंग एज 3 सेकंड, बोलो सेट है क्या सर, चलिए तो सेकंड वाले का आंसर हो गया मेरे पास 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, 3 क्या है कि इन द गिवन डायग्राम There is a cylindrical cane of cross-sectional area capital A and length 0.4 meter, okay? Completely filled with liquid of density rho. इसमें एक liquid fill किया गया है जिसकी density rho है. It is attached to a massless pulley. इसको एक massless pulley के साथ लगाया गया है और इसके base पर अपन ने एक area बना, hole बना दिया, okay साहब? Made is the base of cane. A pulse is generated at point A at an instant when a small hole is made at the base of cane. When the cane gets completely empty, the pulse reaches point B, okay साहब? Then find length AB, okay, mu linear mass density है, neglect of mass और ये करना है, ठीक है। देखिए situation कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक string है, वो इसके साथ attached है, और इसमें liquid है, और उस liquid में एक नीचे hole बना दिया मैंने, clear है क्या? बोले हाँ। तो इसकी surface falling rate जो होगी, मान लो किसी time इसमें liquid की height h है, तो liquid के emergence एफ्लेक्स स्पीड रूट टू जी एच होगी, तो सरफेस के जो फॉलिंग रेट होगी डी एच, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ए इंटू स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू में माइनस ऑफ डी एच, तो डी एच की वैल्यू जो मेरे पास आ रही दैट इज ए वी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, दिस वैल्यू इज ए बाई कैपिटल ए साथ में रूट टू जी एच, इस रेट से इसकी हाइट डिक्रीज हो रही होगी, तो इसमें यदि टेंशन टी है, सुनना बात को, तो इसमें टेंशन कितना है, बोला टी बाई टू, तो इस t by 2 पर जब इसमें ये l height तक भरा हुआ था तब होल किया और यहां पर एक पल्स जनरेट कर दी, जितने टाइम में ये पूरा खाली हुआ ना उतने टाइम में वो पल्स यहां से यहां पहुंच गई, तो मेरे को इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके बतलानी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो सेट है। अच्छा तो मैंने कहा किसी टाइम यदि हाइट h है तो टेंशन t की वैल्यू क्या होगी, बोले जी इट विल बी रो इंटू ए इंटू में एच इंटू जी, तो टेंशन t by 2 कितना होगा, t by 2 की वैल्यू हो जाएगी रो ए एच जी डिवाइडेड बाई टू, तो वेव स्पीड क्या होगी, बोले अंडर रूट टी बाई टू म्यू,
दैट वैल्यू इज अंडर रूट रो ए एच जी डिवाइडेड बाई टू म्यू. ये मेरे पास वेव स्पीड आ गई. यदि ये वेव स्पीड आई तो इसको क्या लिखते हैं? बोले इसको लिखते हैं डीएल बाई डी टी. बोलो हाँ या ना. बोले हाँ. यहां से सरफेस की फॉलिंग रेट जो है ना, वैसे वी जो है, ये जो डाटा मेरे पास आया है, ये वाला डाटा अपने पास डीएच बाई डी टी नहीं, सरफेस फॉलिंग रेट डीएच बाई, इसको डीएच बाई डी टी तो लिखेंगे. डीएच बाई डी टी जो है वो ये आ रहा है, और यहां से सोचें तो डीएल बाई डी टी मेरे पास ये वाला डाटा आ रहा है. ठीक है साहब, तो अपन थोड़ा सा इस डाटा को एडजस्ट करना चाहें, थोड़ा सा यदि एडजस्ट करना चाहें तो यहां से डीटी निकाल लो. डीटी इज कैपिटल ए बाई स्मॉल ए साथ में डीएच अपॉन रूट टू जीएच, और दूसरी साइड से डीटी निकाल लो. दूसरी साइड से डीटी निकाला तो अंडर रूट टू म्यू डिवाइडेड बाई रो ए एच जी इनटू में डीएल. बोलो हाँ कि ना. बोले हाँ. अब देखो जरा, एक साइड में माइनस रहेगा क्योंकि एच वैसे ही डिक्रीज हो रहा है. टू जी एच, जीएच से जीएच कैंसिल आउट हो गया मेरे पास. तो यहां से डीएल की वैल्यू जो मेरे पास आ रही, दैट इज माइनस कैपिटल ए बाई स्मॉल ए अंडर रूट में रो ए डिवाइडेड बाई फोर म्यू इंटू में डीएच. डीएच तो एलडेस की वैल्यू मेरे पास आ गई, माइनस कैपिटल ए बाई स्मॉल ए. केवल डीएच को इंटीग्रेट करना है, तो डीएच को इंटीग्रेट करने पर ये एल अपने पास आ जाएगा. माइनस के साथ आएगा, एक माइनस पहले से, पर डीएच तो एल से जीरो जा रहा है ना. बोलो हाँ कि ना. बोले हाँ. तो यहां से एक डाटा अपने को दिया गया है, रो ए बाई म्यू दैट वैल्यू इज 16, ए बाई ए दैट इज 100, सो इट इज 100. दिस वैल्यू इज ए बाई म्यू दैट इज 16, ये 16 है, ये डिवाइडेड बाई 4 है. और अपने पास और किसी डाटा की बात करते हैं तो और डाटा जो आ रहा है, ये एल की वैल्यू पुट करनी है, और एल जो दिया गया है, एल इज गिवन एस लेंथ इज 0.4 मीटर. दिस इज 0.4 मीटर. बोलो हाँ या ना. पक्का सेट है क्या सर? बोले जी ठीक है. तो यहां से यदि मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो मेरे पास निकल कर आता है, दैट वैल्यू कम्स एज 5. बोलो सेट है. बढ़ाएं बात को आगे. चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को. डाटा अपन ने सही लिखा क्या? और ए बाई टू में बिल्कुल ठीक लिखा है. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें यह कहा गया है दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज अलोंग एक्स एक्सिस. एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी एक्स एक्सिस के अलोंग इसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन बतलानी है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकाला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 20. इसको जीरो के इक्वल रखकर सोल्व करते हैं तो दो वैल्यू आ गई, एक एक्स की वैल्यू 4 और एक एक्स की वैल्यू 5. फिर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करता हूं, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर. तो x इज इक्वल टू 5 पर तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखो 2x माइनस 18 आ रही है. बोलो हाँ कि ना. सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज, एक मिनट, अपन ने सही किया क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 9x. तो ये 2x माइनस 9 आएगा, ये 2x माइनस 9 आएगा. तो x इज इक्वल टू 4 पर तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू 5 पर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस देयर इज ए मिनिमा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां ux कर्व का मिनिमा होता है. सो x इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर. चलिए सब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करूं तो देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, जिसकी साइड लेंथ ए है, कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट. एक 3 वोल्ट के सेल के साथ कनेक्टेड है. ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ मास 0.1 kg एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इनिशियली कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. द डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास, इसको 0.1 kg के थ्रू आउट द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से जोड़ा गया है. सिलेंडर इज पुल्ड बाई ए कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल फोर्स. सिलेंडर पर एक कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल फोर्स F = 1 न्यूटन लगा रहे हैं, एंड एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, ये टॉप ऑफ द सिलेंडर पर लग रहा है. सरफेस जो है वो फ्रिक्शन रोकने के लिए, यहाँ पर फ्रिक्शन सफिशियंट है स्लिपिंग रोकने के लिए. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है स्मॉल डी है. और ये मिला कि करंट का टाइम के साथ जो ग्राफ है ना, मतलब उसकी स्लोप कॉन्स्टेंट मिल रही है. मतलब अपन ने इसको यहां से फोर्स लगाकर खींचना शुरू किया, इसका मास 0.1 है, इसका मास 0.1 है, फोर्स लगा के खींचना शुरू किया तो करंट का टाइम के साथ ग्राफ जो है वो कॉन्स्टेंट मिला साहब. तो उस ग्राफ की स्लोप मेरे को बतलानी है कि जितने टाइम तक वो कॉन्स्टेंट रहता है. बोलो ठीक. अच्छा जी देखिए, यदि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, मान लो उसकी यहां से किसी टाइम पर डिस्टेंस एक्स है, तो ये कितनी डिस्टेंस तक बचा? बोले ए माइनस एक्स तक बचा.
तो दो कैपेसिटर हो गए, एक तो हुआ एप्सिलॉन नॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई डी और एक हुआ के एप्सिलॉन नॉट ए साथ में ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी, ये सी इक्वलेंट आया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो हाफ सी वी स्क्वायर आती है, तो एप्सिलॉन नॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई डी प्लस में के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू में ए माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा साहब, तो फोर्स जो होता है ना वो अपन माइनस डी यू बाई डी एक्स से कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू सोल्व करने पर मेरे पास 1 बाई टू, तो इधर कॉन्स्टेंट, ये वाली वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी साथ में स्पीड वी प्लस में डी एक्स बाई डी टी डी यू बाई डी एक्स निकालने तो वी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस में के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी साथ में 1 माइनस सॉरी 0 माइनस 1। यहां से सोल्व किया ना बेटा, तो दिस वैल्यू इज 1 बाई टू, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन डाला तो ये वाला डाटा मेरे पास आया और माइनस का साइन और है, माइनस को एडजस्ट करेंगे तो अंदर के माइनस 1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोले हाँ। अच्छा अब देखो, आपको जो वैल्यू दी गई है ना एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी, अच्छा साथ में वी स्क्वायर और होता है, यू की वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर, ये डाटा 1 बाई 9 दिया गया है, तो ये वाला डाटा मेरे पास आया 1 बाई 2 इंटू में 1 बाई 9 इंटू में 3 का स्क्वायर, दैट वैल्यू कम्स एज 1 बाई 2 न्यूटन। मतलब उस डाइलेक्ट्रिक प्लेट पर, उस डाइलेक्ट्रिक प्लेट पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा ना बैटरी की वजह से, वो 1 बाई 2 न्यूटन का लग रहा होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। बोला ठीक है, अब सुनते चलो बात को। अपन ने सी इक्वलेंट तो निकाल लिया है ना, अब किसी भी टाइम पर फोर्स हो गया 1 बाई 2 इस प्लेट पर, इधर फोर्स लग रहा है 1 बाई 2 का और इधर टेंशन लग रहा है टी, यदि इसका एक्सिलरेशन ए है तो पहली इक्वेशन लिखूंगा टी माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू एम ए, बोलो हाँ या ना। फिर सॉलिड सिलेंडर की बात करूं मैं, क्या दिया गया, सॉलिड सिलेंडर या डिस्क पैरेलल कनेक्टेड टू ए, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर डिस्क की बात है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, इस पर इधर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, इधर टेंशन टी लगेगा, तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, बोलो हाँ या ना। एक्सिलरेशन तो इसका और इसके सेंटर का सेम होगा। फिर जब इस पर टॉर्क की बात करूंगा, मान लो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग गया तो बिटू 1 प्लस एफ करना पड़ेगा। फिर टॉर्क में अपन लिखेंगे 1 इंटू आर माइनस में एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में ए बाई आर, आर से आर, आर से आर सही हो गया, बोलो हाँ या ना। बोले हाँ, तो एक काम करो सबको जोड़ दो, है ना। जैसे ही सबको जोड़ा, टी से तो टी सही हो गया, एफ से एफ सही हो गया, इधर वाली साइड बचा 2 और इधर वाली साइड 1 बाई 2, ये वाला डाटा एम ए प्लस एम ए प्लस एम ए बाई 2, दैट वैल्यू कम्स एज 5 एम ए बाई 2, इट इज 3 बाई 2, ये तो सही हो गया। एक्सिलरेशन जो मेरे पास निकल कर आया दैट इज 3 बाई 5 एम, ये अपने पास साहब एक्सिलरेशन की वैल्यू आ रही है। और अपने से पूछा क्या गया है, डी आई बाई डी टी पूछा गया। देखो सिस्टम का जो एक्सिलरेशन आ रहा है वो मेरे पास कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन आ रहा है ना। यदि कांस्टेंट एक्सिलरेशन आएगा तो इस कांस्टेंट एक्सिलरेशन की वैल्यू, इसकी जगह जैसे 0.1 रखूंगा, सुनना मेरी बात को, तो ये 3 बाई एम 5 इंटू में 0.1, ये ऊपर गया 30 बाई 5, 30 बाई 5 बोले तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलरेशन जो आया वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब बात करनी है करंट की, तो सुनो साहब, करंट जो होता है ना वो सी इक्वलेंट इंटू वी होता है, बोलो हाँ की ना। बोले हाँ, सी इक्वलेंट ये पड़ा, बोले सही बात है, एक्सिलरेशन अपने पास आ चुका है। अच्छा तो मैंने कहा कैपेसिटर पर जो चार्ज है प्लेटों पर, कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज है वो वेरी करेगा सी इक्वलेंट इंटू वी से, बोलो हाँ या ना। बोले हाँ, दैट वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी को तो डालो कॉमन, इट इज एक्स प्लस के इंटू में ए माइनस एक्स इंटू में वी, ये भाई साहब चार्ज है। यदि ये चार्ज है तो मैंने कहा डी क्यू इक्वलेंट डिवाइडेड बाई टी टी ये करंट होगा, बोलो हाँ या ना। सर्किट में करंट की वैल्यू यही होगी, बोले जी यही होगी। तो ये वाला डाटा मेरे पास आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये तो कांस्टेंट है, वी तो पोटेंशियल है, बोला हाँ। एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में प्लस में के, ए को रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 0 और एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। बोले हाँ। अब आईटी ग्राफ की स्लोप पूछी है, मतलब डी आई बाई डी टी निकालना है, तो भाई साहब डी आई बाई डी टी के केस में दिस डाटा इज एप्सिलॉन नॉट ए वी डिवाइडेड बाई डी, v को डिफरेंशिएट किया तो एक्सिलरेशन को f से लिख देता हूं और ये वाला डाटा साथ में माइनस में kf आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। बोले हाँ। तो इस ग्राफ की जो स्लोप आ रही है मेरे पास di by dt, मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो एप्सिलॉन नॉट a साथ में k माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी इंटू में अपने पास f। देखो ये जो डाटा है ना
इनटू में वी, ये डाटा दिया गया 1/9, वी की वैल्यू है 3 और ये वाला डाटा है 6। तो यहां से यदि मैं बात करता हूं तो उस ग्राफ की जो स्लोप मेरे पास आ रही है डी आई बाई डी टी, दैट स्लोप इज कमिंग एज 2। बोलो सेट है पक्का? अच्छा जी सर, चलिए फिर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि दैट ए परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस इंटरसेप्ट्स अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ पावर दिस इंसिडेंट नॉर्मली फोर्स ऑन द लाइट फोर्स बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस। कि एक परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस है जिसकी पावर दी गई है और उसने सरफेस पर कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस के लिए कितना होता, बोला पी बाई सी। अब पी की वैल्यू है 100 और सी की वैल्यू है 3 × 10^8। तो इसको सजा के लिखा तो ये वाला डाटा 10^-6 डिवाइडेड बाई 3 अपने पास आएगा। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। यदि मैं गिवन डाटा से इसको कंपेयर करता हूं तो स्मॉल n की वैल्यू मेरे पास आंसर के फॉर्म में कितनी आती है, 3। क्लियर है बेटा जी? ओके डियर, तो ये मेरी तरफ से पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। पेपर मिला जुला सा था, थोड़ा सा मतलब एडवांस ओरिएंटेड रखने की पूरी कोशिश की गई है ताकि मेन एग्जाम में भी बात का मजा तो आए यार। चलिए सर, मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।